मध्य प्रदेश के सिंगरौली और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिलों में फैला हुआ है भूमिगत कोयले का विशाल भंडार। और इस प्राकृतिक संपदा से राष्ट्र की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में समर्पित नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, जो भारत सरकार की महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड की एक अनुषंगी कंपनी है। 10 अत्याधुनिक खदानों के समन्वय से बना हुआ NCL 100 मिलियन टन से अधिक कोयला उत्पादन कर देश के कुल कोयला उत्पादन में लगभग 15% की भागीदारी रखता है और देश की ऊर्जा आपूर्ति में बड़ी भूमिका निभाता है। पर सिर्फ कोयला उत्पादन ही नहीं, NCL अपने CSR कार्यों के माध्यम से इस प्रांत के समावेशी विकास के लिए समर्पित है और निरंतर प्रयासरत है इस लक्ष्य की ओर। जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ यह प्रांत भारत की कुछ प्राचीन जनजातियों का घर है। दूरस्थ एवं पृथक होने के कारण ये क्षेत्र कई मूलभूत सुविधाओं से दूर रह गया था। युवाओं के लिए आधुनिक शिक्षा और कार्य कौशल के प्रशिक्षण का अभाव, गांव में सड़क और आधारभूत ढांचों का अभाव, स्वास्थ्य सेवाएं एवं पेयजल की दुर्लभता सहित कई और बुनियादी व्यवस्थाओं की कमी को चिन्हित किया गया। इस क्षेत्र की समस्याओं पर विचार करते हुए NCL ने अपने सामाजिक निगमित दायित्व CSR के तहत यहाँ के विभिन्न समुदायों का समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए अपने कार्यों को 7 व्यापक वर्गों में बांटकर जन जन तक लाभ पहुँचाया है, जो कि ग्रामीणों को शुद्ध जल की सुविधा प्रदान करने के लिए स्वच्छ जल, बेहतर कल और उज्जवल वर्तमान के लिए श्रेष्ठ शिक्षा, सब साक्षर, ग्रामीणों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए सब स्वस्थ, गांव को सड़कों से जोड़ने के लिए गांव जोड़ो, आधारभूत एवं मौलिक सुविधाओं के लिए आधार, रोजगार एवं स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए कौशल, एवं खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए खेल तरंग है। NCL ने इन कार्यक्रमों के तहत विगत 6 वर्षों में 500 करोड़ से भी अधिक धनराशि नियोजित कर 5 लाख से अधिक लोगों को सीधे तौर पर विकास की मुख्य धारा से जोड़ा है। गांव जोड़ो कार्यक्रम के तहत लगभग 180 किलोमीटर से भी अधिक पक्की सड़कों का निर्माण किया गया है, जो कि गांव को शहरों से एवं आपसी गांव को जोड़ती है, जिससे इस प्रांत के 1.5 लाख से भी अधिक लोगों के जीवन में मूलभूत सुविधाओं की नजदीकियां बढ़ी हैं। जब तक ये पुल बना है, हम लोगों का बहुत कुछ विकास हुआ, बहुत सारा सुविधा सब ही लोग का सुविधा हो गया है। हम लोग NCL का भारी हैं, जो कि NCL द्वारा ये पुल बना। बेहतर शिक्षा के लिए NCL के CSR कार्यक्रम सब साक्षर के द्वारा 250 से भी अधिक सरकारी विद्यालयों व 40 से अधिक आंगनवाड़ियों में उत्कृष्ट एवं आधुनिक शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं, जिससे 1 लाख से भी अधिक नन्हे नागरिकों को NCL कर रहा है एक सुनहरे भविष्य का वादा। इसी विकास से मेरा केंद्र बहुत विकासशील हो गया। मेरा अपने ब्लॉक में प्रथम स्थान है, मेरा केंद्र बाल शिक्षा केंद्र माना। NCL CSR के तरफ से हमारे गांव को, हमारे बच्चों को और हमको, सहायिका को, मतलब पूरे लोगों को काफी इनके तरफ से मदद मिली है और मैं इनकी तरफ से आगे बढ़ गई, से इनके लिए धन्यवाद चाहती हूँ। स्वच्छ जल कार्यक्रम के तहत 2100 से अधिक हैंड पंप्स, 42 RO प्लांट्स, 39 तालाब और 12 चेक डैम के निर्माण से 1 लाख से भी अधिक लोगों को पेयजल और जल संरक्षण में सहयोग प्रदान किया जा रहा है। RO लगने से बहुत फायदा है शरीर के लिए,
पानी पी रहे हैं तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है, डॉक्टर से जाने में थोड़ा बचाव हो रहा है। कौशल विकास कार्यक्रम तहत NCLS क्षेत्र के युवाओं को पोल्ट्री फार्मिंग, मछली पालन, सिलाई बुनाई, घरेलू उपकरणों की मरम्मत, प्लम्बिंग, मोटर रीवाइंडिंग जैसे अनेकों रोजगार परक हुनर सिखाकर आजीविका प्राप्त करने व आत्मनिर्भर बनाने का कार्य कर रही है। हम लोग को यही पोल्ट्री मिला जब से बहुत अच्छा, अपने घर में भी हैं, अपना बाल बच्चे को भी अच्छे सुरक्षित से रखे हैं, अपना खेती बाड़ी सब कुछ हम अच्छा से देख सकते हैं। और भाई अब काम करने के लिए हम लोग को भटकना नहीं पड़ता है। सब स्वस्थ कार्यक्रम के अंतर्गत NCL अपने आसपास के समुदायों के लिए पर्याप्त और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करता है। इसके लिए NCL ने स्थानीय सरकारी अस्पतालों को आधारभूत सुविधाओं से युक्त किया है व अपने 3 अस्पताल, 10 डिस्पेंसरियों एवं ग्रामीण स्वास्थ्य शिविरों के जरिए क्षेत्र के 1.5 लाख से भी अधिक जरूरतमंदों को लाभ पहुंचा रहा है। NCL के द्वारा ट्रांसफॉर्म सिंगरौली में स्कूल्स में हेल्थ सेक्टर में जब इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के बारे में काम लिया गया था, IMR MMR रिड्यूस करने के लिए सब हेल्थ सेंटर्स पर डिलीवरी वगैरह करने पर जोर दिया गया था, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी पर काफ़ी हेल्प किया है। कई सारे महिलाएं जो घर पर डिलीवरी हो रही थी उनको प्रोत्साहित करके इंसेंटिव भी दिया गया है उनको कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए आए और वो एक सब हेल्थ सेंटर या PHC या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर ही डिलीवरी के लिए किया गया। अभी जस्ट रिसेंटली भी NCL द्वारा MOU किया गया है और 55 लाख रुपया हेल्प करते हुए और डिलीवरी पॉइंट पर जहां पे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी इंप्रूव हो, IMR MMR में रिडक्शन हो सके। गांव में बुनियादी ढांचा विकसित करने हेतु CSR कार्यक्रम आधार के तहत 37 सामुदायिक भवन, मुक्ति धाम, 7,000 से अधिक शौचालय और अनेकों ग्रामीण हाट का निर्माण किया गया। साथ ही कई गांवों में बिजली एवं सौर ऊर्जा प्रदान करके NCL 1,20,000 जिंदगियों में खुशियां बांट रही है। NCL CSR के द्वारा दे आर ऑल्सो वर्किंग इन मॉडल स्कूल्स, आंगनवाड़ी स्कूल्स में वो लोग बहुत बेंचेस प्रोवाइड कर रहे हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं एंड ऑल्सो दे आर डूइंग मॉडल आंगनवाड़ी जहाँ पे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बच्चों को खेलने की सामग्री और अदर बेसिक इक्विपमेंट्स जो रिक्वायर्ड होती हैं वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही दे आर ऑल्सो डूइंग बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क लाइक रोड्स इन रूरल एरियाज जो कि काफ़ी सराहनीय है। सिर्फ इतना ही नहीं, खेल तरंग कार्यक्रम के जरिए खेलों को बढ़ावा देने के लिए NCL दूरस्थ गांवों के युवाओं के लिए हर वर्ष खेल प्रशिक्षण व प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है। NCL ने एक विशेष एथलेटिक एकेडमी का निर्माण कराया है जहां विशिष्ट स्थानीय प्रतिभाओं को निखार कर वैश्विक मंच प्रदान किया जा रहा है। साथ ही साथ खेलों को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए खेल मैदानों का निर्माण, स्कूलों में खेल सामग्री का वितरण और प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की गई है। NCL ने मुझे बहुत फैसिलिटीज दी है, बहुत सपोर्ट किया है मुझे ही नहीं, यहाँ पे जितने भी बच्चे लोग हैं सबको वो ग्राउंड लेवल से उठा के एक अच्छा हाईटेक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। NCL के CSR के जरिए सुदूर प्रांत के हर जीवन को छुआ जा रहा है। आज कोयला निकालने के साथ साथ NCL समाज के उत्थान में भी लगा हुआ है। हम चाहते हैं कि हमारे आसपास के गांव, हमारे आसपास के रहने वाले सबों का उत्थान हो। सिर्फ ये कोयला निकालने वाली ही कंपनी नहीं है, यह कंपनी सबका सामाजिक उत्थान के लिए भी कटिबद्ध है। परंतु ये अंत नहीं है, ये तो आने वाले समय के कई मीलों के सफर की बुनियाद है जिसे हम निरंतर और दृढ़ बना सामूहिक एवं संपूर्ण विकास की ओर बढ़ रहे हैं।